हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन टुडेज वीडियो वी विल डू क्वेश्चन 3। तो हम दो क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 1 में क्या था, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सर्व करके दे दी थी। क्वेश्चन 2 में हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के कैलकुलेट करके उसको प्रॉपर अरेंज करके फिर क्वेश्चन सॉल्व किया था। इन क्वेश्चन नंबर 3 देर इज़ नो स्पेशल पॉइंट, बट वी हैव टू डू इट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस इशू। जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कमांड बनेगी मर्जर्स एंड एक्विजिशन में। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। लेट्स रीड। ए लिमिटेड इज स्टडिंग अ पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ जेड लिमिटेड। सबसे पहले क्या करना है, एक्वायर कंपनी कौन सी है, टारगेट कंपनी कौन सी है, ये आइडेंटिफाई करना है। सो एक्वायर कंपनी कौन सी है, ए, बिकॉज इट इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन। ए लिमिटेड चाह रही है पॉसिबल एक्विजिशन करना ऑफ जेड लिमिटेड। सो ए इज एक्वायर कंपनी, जेड इज टारगेट कंपनी, एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन। पर्टिकुलर्स ए लिमिटेड के बारे में भी दे रखा है कुछ, जेड लिमिटेड के बारे में भी दे रखा है कुछ। पी ए टी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ए लिमिटेड का है 2,50,000, जेड लिमिटेड का है 75,000। एंड इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग यानी नंबर ऑफ शेयर्स, ए लिमिटेड के 50,000, जेड लिमिटेड के 20,000। अब जैसे ये हमने किया, आपको क्या करना है, हाथों हाथ कैलकुलेट कर दो EPS, बिकॉज इट विल हेल्प इन डूइंग क्वेश्चन डेफिनेटली। सो EPS ऑफ ए लिमिटेड कैसा आएगा, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 50,000, डेट इज़ 5 इज़ द EPS ऑफ ए लिमिटेड। एंड वॉट अबाउट जेड लिमिटेड, डेट इज वी कैन कैलकुलेट बाय 75,000 डिवाइडेड बाय 20,000, सो 3.75 इज़ द EPS ऑफ जेड लिमिटेड। सो EPS ऑफ ए लिमिटेड कितना है, 5, एंड on the contrary for Z limited 3.75. okay, so EPS calculated, A limited 5, Z limited 3.75, EPS हमने निकाल दिया। and market price 12 and 9 दे रखिए, clear। अब market price दे रखिए, EPS निकाल दिया, तो PE ratio भी निकल जाएगा, there is no difficulty in that। okay, now first point, if the merger takes place by exchange of equity shares based on market price, what is the EPS of new firm? So kar di wahi baat, kya kaha hai, jo merger hoga wo equity share ke exchange mein hoga, yani acquire company target company ke shareholders ko equity share issue karegi। ab issue kis base pe karegi, on basis of market price, market price ke base pe karegi, to hum swap ratio nikalenge। swap ratio ka formula kya hota hai, relevant factor of target divided by relevant factor of acquire company। What is the relevant factor of target is equal to relevant factor is market price, so market price of target, that is 12 divided by market price of acquire, sorry maine ulta kar diya, galat, sorry, relevant factor of target is 9, because market price of target company is 9 and market price of acquire company is 12, so swap ratio will be 0.75। हम प्रेजेंटेशन के साथ भी करेंगे, ये तो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन। सो 0.75 आ गया स्वैप रेशियो। व्हाट इज़ द EPS ऑफ न्यू फॉर्म, EPS न्यू फॉर्म मतलब पोस्ट मर्जर EPS, पोस्ट मर्जर EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EAT ऑफ एक्वायर, डेट इज 2,50,000 प्लस EAT ऑफ टारगेट, डेट इज 75,000। सो combined EAT 3,25,000, we have to divide by n plus delta n, n means equity shares of acquire company, that is 50,000, and what is delta n, yani equity shares of target into swap ratio, swap ratio is 0.75 into 20,000, we have 15,000, so EAT, combined EAT will कैलकुलेट हो गया 5 आएगा। पोस्ट मर्जर EPS विल बी 5। स्वैप रेशियो कैसे निकाला आपको, आ गया रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर। सो रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट क्या था, मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट, एंड रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर क्या था, मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायर, बिकॉज व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्वैप रेशियो।
पॉइंट में हमें पूछा स्वैप रेशियो जो हमने निकाल दिया 0.75, सेकंड पूछा पोस्ट मर्जर ईपीएस जो हमने निकाला कंबाइंड ईएटी यानी ये 3,25,000 कैसा आया, 2,50,000 डेट इज ईएटी ऑफ एक्वायर एंड 75,000 डेट इज ईएटी ऑफ टारगेट। वी हैव टू कैलकुलेट कंबाइंड ईएटी यानी ईएटी ऑफ एक्वायर प्लस ईएटी ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाय 50,000 डेट इज द एन, एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर कंपनी एंड 15,000 इज डेल्टा एन, डेल्टा एन यानी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी मल्टीप्लाई बाय स्वैप रेशियो। सो व्हाट इज द इक्विटी शेयर्स ऑफ टारगेट कंपनी 20,000, व्हाट इज द स्वैप रेशियो 0.75, वी कैन मल्टीप्लाई इट, आंसर विल बी 15,000। नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन, द मेन आंसर दैट इज पोस्ट मर्जर ईपीएस विल बी 5। सो ईजी क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट, second point is Z Limited wants to be sure that the earnings available to its equity shareholder will not diminish after merger, what should be the exchange ratio? simple sa question, ab isme kaha hai ki Z Limited chahti hai ki uska jo earnings available to its shareholders hai jo EPS hai uska wo diminish na ho merger ke baad, to yani hame aisa swap ratio nikalna hai, aisa break even swap ratio nikalna hai jisse earnings yani EPS jo hai wo same reh jaye। अब ई पी एस हमें सेम रखना है यानी हम किसके बेस पे स्वैप रेशियो निकालेंगे, अर्निंग्स के बेस पे। रिलेवेंट फैक्टर क्या होगा, अर्निंग्स यानी ई पी एस, रिलेवेंट फैक्टर ई पी एस होगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ई पी एस ऑफ टारगेट डिवाइडेड बाई ई पी एस ऑफ एक्वायर, बिकॉज व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्वैप रेशियो, रिलेवेंट फैक्टर ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइडेड बाई रिलेवेंट फैक्टर ऑफ एक्वायर कंपनी। रिलेवेंट फैक्टर इन दिस सेकेंड पॉइंट ई पी एस, तो ई पी एस ऑफ टारगेट कंपनी क्या है जो हमने कैलकुलेट किया था 3.75, और ई पी एस ऑफ एक्वायर कंपनी क्या है डेट इज़ 5। सो 3.75 डिवाइडेड बाई 5, सो व्हाट विल बी द न्यू स्वैप रेशियो 0.75, तो पहले भी तो यही था, यस पहले भी यही था बट इसमें भी यही है, इट कैन बी कोइंसिडेंस और समथिंग लाइक दैट। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी या तो ऐसा कुछ होगा, ये 0.3 को इग्नोर करना, ये कुछ नहीं है ऐसा कुछ, ये गलती से लिख दिया मैंने। बाकी अर्निंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसा मैंने बताया सेम वही 3.75 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर विल बी 0.75, सो स्वैप रेशियो विल बी 0.75:1। सेम केस ऑफ जो पहले हमने स्वैप रेशियो कैलकुलेट किया था मार्केट प्राइस के बेस पे, उस पर भी 0.75 आया था, इसमें भी 0.75 आया। सो दिस इज़ द थिंग। थर्ड क्वेश्चन हमने इजीली कर दिया, इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था, एक भी पॉइंट नहीं था, कुछ भी दिमाग वाला कुछ पॉइंट नहीं था क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो में।